हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों की बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है भाई, मुझे जरा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी चल रही है, बेकार चल रही है, एवरेज चल रही है, जैसी भी चल रही है, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के लेक्चर में बेटा हम क्या देखने वाले हैं, हम वही हमारा पुराना जो हमारा सेशन चल रहा है मिशन 2023 का, उसका आज कक्षा 12 का जो सेकेंड यूनिट है, और सेकेंड यूनिट से 5 अंक के जहां जहां से प्रश्न बनते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई, मिशन 2023 में जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के विद्यार्थी, तैयार हो जाओ फिर से, क्योंकि कक्षा 12 का जो सेकेंड यूनिट से 5 अंक का प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आज के सेशन में, ठीक है। तो चलिए भाई, यूनिट सेकेंड 5 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। देखिए बेटा, ये वाला जो टॉपिक है, देखो ये वाला जो टॉपिक है, प्रश्न यहां से 1 से 2 बार उठे हुए हैं, ठीक है। अब ये बताओ, 2019 में ये प्रश्न उठा हुआ है और 2017 में भी ये प्रश्न उठा हुआ है, तो यहां से चांसेस है हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ऐसे प्रश्न देखते हैं तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं और पढ़ते नहीं है, ठीक। लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर इसलिए नहीं करना है क्योंकि ऐसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम सब सोचे ना रहो और वो आ जाए, तो ऐसे ये इनमें से वो एक है भाई, ठीक है। तो भाई साहब, आपको ध्यान देना है कि ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लेक ओपेरॉन क्या है, प्रश्न क्या पूछा है, लेक ओपेरॉन क्या है, ठीक है, ध्यान देना, लेक ओपेरॉन की बात हो रही है। दूसरा, इसी में एक और जोड़ दिया, क्या, नियंत्रक और संरचनात्मक जींस की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब इनमें 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला क्या, पहला बात करेंगे हम किसके, लेक ओपेरॉन क्या है। चलो डेफिनेशन तो हमने लिख दिया, ठीक। हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, एक फ्लो चार्ट से दिखा देंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। दूसरा, हम दिखाएंगे इसका डायग्राम। तो यहाँ पर मैं फ्लो चार्ट बनाने वाली हूँ, डायग्राम दिखाने वाली हूँ, और आपके पॉइंट वाइज किस तरीके से लिखा जाता है इसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई, आज का प्रश्न और नए आंसर से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चीज मुझे ध्यान देना, जो हम लेक ओपेरॉन पढ़ते हैं, ओपेरॉन है क्या चीज, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए भाई, ये लेक ओपेरॉन क्या हो गया, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। तो बेटा आप ध्यान रखो, ओपेरॉन का मतलब होता है जींस की बात हो रही है। अब एक चीज बताओ, जींस कहाँ पाया जाता है, सीधी सीधी बात है, कोशिकाओं में होता है। कोशिका में कहाँ, डीएनए पर, ठीक है। तो जब हम किसी भी कोशिका की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान देना बेटा, जब हम किसी कोशिका की बात करते हैं तो ये है आपका कोई कोशिका है, और इस कोशिका में हमारा क्या पाया जाता है बेटा, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है भाई, केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक में क्या होता है बेटा, केंद्रक में क्या होगा, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं, ठीक है ना, हमने देखा है ना पिछले लेक्चर में। तो डीएनए पर ही, अब मैं ऐसा अगर संरचना बना दूं कि चलो भाई मैम ये डीएनए है, चलो ये डीएनए है, ठीक है, तो ये डीएनए पर, इसी डीएनए पर जो आपका जीन्स होता है इस तरह से उपस्थित होता है, ठीक है, ये क्या है, जीन्स है। जीन्स कहाँ है, डीएनए पर। अब थोड़ा ध्यान देना, तुम्हारे आंखों का कलर हो सकता है मे बी आपके मम्मी के जैसे हो, आपके पापा के जैसे हो। आप देखते हो ना, कभी कभी होता है कि मम्मी के आंख भूरे एकदम ब्राउन है, तो हमारे भी वैसे हो जाए, होता है कि नहीं होता। तो ये डिसाइड कौन करेगा, मतलब लक्षणों को, ठीक है, किसकी बात हो रही है, लक्षणों को, इस लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है बेटा, जीन्स करता है। ध्यान देना आप लोग, लक्षण कौन निर्धारित करेगा आपके में, जीन्स करता है। तो मैडम आप ओपेरॉन बता रहे हो अचानक से, ये इसमें कहां से आ गए लक्षण में, तो ध्यान देना, जब हम ओपेरॉन पढ़ते हैं, ओपेरॉन जब हम पढ़ते हैं तो ओपेरॉन का मतलब ही होता है जीन्स, जीन्स, जीन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, डीएनए के खंड के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डीएनए पर ही जीन्स पाए जाते हैं। तो जीन्स अलग अलग कार्यों को करते हैं हमारे, देखो आंख की बात करूं तो आंख में अलग जीन्स है, तो उसका कार्य अलग है, काम भी अलग करेगा, सीधी सी बात है, लक्षण उसका अलग ही है। मेरे, अगर मैं चिक्स की बात करूं, मेरे ये गालों की बात करूं, तो यहाँ पर जीन्स अलग है, कानों की बात करूं वहां पर जीन्स अलग है। तो अलग अलग जीन्स के अलग अलग लक्षण और अलग अलग कार्य होते हैं, तो इनको रेगुलेशन कौन करेगा, इनको नियमन कौन करेगा,
कार्य कैसे करना है, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है। तो ये जो हम पढ़ने वाले, यही इस चीज में हम देखने वाले हैं कि कौन से जीन्स क्या कार्य करते हैं, उसको रेगुलेट कैसे होना है, ये कौन बताता है बेटा, इस हम ओपेरॉन मॉडल के द्वारा हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो ओपेरॉन मॉडल अलग अलग टाइप से होते हैं। जो आज का टॉपिक हमारा है प्रश्न लैक ओपेरॉन, तो यहाँ हम लैक ओपेरॉन मॉडल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके पेपर में यही आया है। इतना ध्यान हो गया, याद हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, पहले मुझे बताओगे, कमेंट करोगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लैक ओपेरॉन क्या, लॉक कह रही हूं लेकिन ले लैक है, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन क्या बेटा, तो लैक ओपेरॉन क्या है भाई, लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है, लैक का मतलब लैक्टोज, अभी बताऊंगी सारा चीज, ध्यान रखो। ठीक, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ओपेरॉन जीन्स के बारे में, जीन्स का रेगुलेशन कैसे होगा, क्या बोला मैंने, इस जीन्स, ठीक है, जीन्स का रेगुलेशन यही होता है, जीन्स का रेगुलेशन कैसे होता है, यही हम पढ़ने वाले हैं इस लैक ओपेरॉन मॉडल के माध्यम से। ठीक है, जीन कैसे कार्य करेगा, ठीक है, अलग अलग जीन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है। और याद रखेंगे जीन्स क्या उत्पन्न करता है, तो जीन्स क्या उत्पन्न करते हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन। जीन्स क्या करते हैं भाई, देखो यहां पर मैं बता दूं, ये मैं यहां पर मिटा कर यहीं पर लिख देती हूं। चलो, जीन्स क्या करते हैं, ये जो आपका जीन्स होता है ये प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन और एंजाइम्स, इन प्रोटीन और एंजाइम्स को उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन और एंजाइम्स को उत्पन्न कौन करता है, जीन्स करता है। जीन्स कहाँ है, कोशिका में है। जीन्स का रेगुलेशन कैसे होता है, वही हम पढ़ेंगे किसमें, आपके लैक ओपेरॉन मॉडल के माध्यम से। इतनी जानकारी मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा, आखिर हम लैक ओपेरॉन को क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे सबका जीन्स अलग अलग होता है, मतलब जीन्स तो एक ही है लेकिन कार्य सबके कैसे हैं, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है लैक ओपेरॉन के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान देना, इस जो जीन्स के बारे में, यानी कि ओपेरॉन का मॉडल जो दिया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जैकब और मोनाड, ठीक है, इन्होंने जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ध्यान देना क्या बोला मैंने, देखो ये जो लैक ओपेरॉन है, ठीक है, लैक ओपेरॉन जो दिया गया है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जैकब और मोनाड, उन्होंने जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, अब इस कोशिका, चलो प्रोकैरियोटिक कोशिका एक उदाहरण दे देते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, क्योंकि जैकब और मोनाड ने प्रोकैरियोटिक कोशिका ई कोलाई को अपने प्रयोग में लिया था, ई कोलाई को, ठीक है, तो ई कोलाई को उन्होंने इस चीज़ कोलाई बोलते हैं, इसको ई कोलाई कहते हैं, तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया को, प्रोकैरियोटिक कोशिका को लैक ओपेरॉन अपना मॉडल समझाने के लिए इन्होंने लिया था। कि कैसे समझाएं इसको इसमें, क्योंकि इसमें भी तो जीन्स होते, डीएनए होते, जीन्स होते, कैसे रेगुलेट करता है, कैसे कार्य करता है, कैसे मतलब रेगुलेशन होगा इसमें, इसको बताने के लिए जैकब और मोनाड ने इसमें प्रयोग किया था। चलिए ठीक है, चलो तो यहां पर देखो कि देखो जब जीन्स का काम क्या है बोला मैंने, एंजाइम्स का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, इतनी चीज आप लोगों को शायद समझ आ ही गया होगा, शायद क्यों बोलो, मैं पढ़ा रही हूं तो समझ आ ही गया होगा, इसकी गारंटी तो मैं ले सकती हूँ। ठीक है, चलो एक चीज और याद रखो, एक चीज और कि क्या, देखो आप मुझे एक चीज और बताओ, आपने डीएनए के बारे में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा होगा, साल भर से पढ़ा ही होगी, स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक, तो अब मुझे बताओ कि इस डीएनए से क्या बनता है बेटा, डीएनए से क्या बनता है बताओ मुझे, इस डीएनए से क्या बनता है बताओ मुझे, कमेंट करो डीएनए से क्या बनेगा। तो डीएनए से आप लोग अगर कमेंट नहीं कर रहे हो तो ध्यान दो भाई, पढ़ो यहाँ पर, डीएनए से बनता है mRNA, क्या बनता है, mRNA बनता है, ये क्या लिख दिया, ऊपर नीचे हो गया, चलो भाई इसको ऐसे भी लिख देते हैं mRNA, ठीक है, DNA से क्या बना, mRNA बनता है, इस DNA से mRNA कब बनना, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा,
इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, यानी कि अनुलेखन। इसको हम क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन, और एमआरएनए से प्रोटीन, क्या? प्रोटीन का निर्माण होना। कौन सी प्रक्रिया होगी इसमें भाई? ट्रांसलेशन। कौन सा? ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इतना चीज आपको ध्यान रखना, मैं क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आने वाला हम कैसे प्रयोग करेंगे इसमें। डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा, एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन अर्थात अनुवादन। क्या? अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। ये क जैसे दिख रहा है, इसको हम बना देते हैं अनुवादन, ठीक है। तो ये चीजों को याद रखना, क्योंकि देखो डीएनए से ही क्या बना? प्रोटीन। डीएनए से ही बनता है एंजाइम्स, ठीक है। तो ये ही जो अनुवांशिक पदार्थ है वो एंजाइम्स और आपके किसका एंजाइम्स और प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। इतनी चीजें याद हो गई। चलिए भाई अब आगे आते हैं हम वापिस से, क्या? तो चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं, क्या ओपेरॉन है, क्या चीज, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ओपेरॉन क्या है भाई? ओपेरॉन डीएनए मतलब जेनेटिक पदार्थ का ही एक खंड है, मतलब डीएनए का ही एक खंड है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। जो क्या काम करता है? रेगुलेशन करने का काम करता है, एवं इसमें क्या क्या चीजें होंगी, हालांकि इस तो मैं डायग्राम में भी बताने वाली हूँ, रेगुलेटर, प्रोमोटर और ऑपरेटर और संरचनात्मक जैसा भी टाइप में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या हुआ, आप लोग को समझ आया ओपेरॉन क्या चीज है? तो डीएनए का ही खंड होता है जिसका काम क्या है? रेगुलेशन करना, ठीक है। तो जीन्स का काम क्या होता है? रेगुलेशन करने का काम होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, क्या यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं लैकोपेरॉन की, तो लैकोपेरॉन आमतौर पर स्विच ऑफ की स्थिति में रहता है। कैसी स्थिति में रहता है? स्विच ऑफ रहता है। ये जो लैकोपेरॉन है, ठीक है, लैकोपेरॉन है, आमतौर पर ये कैसा होता है? स्विच ऑफ होता है, ठीक है। कैसा होता है? ये स्विच ऑफ होता है लैकोपेरॉन। अब ये लैकोपेरॉन एक प्रेरण का कार्य करता है। किसका? प्रेरण का कार्य करता है, ठीक। अब कैसे ये प्रेरण का काम करेगा, अभी पूरा संरचना देख के पूरा चीज समझेंगे। इतनी चीजें याद रखो, लैकोपेरॉन आमतौर पर स्विच ऑफ रहता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर हम प्रेरण डालते हैं, अब ये दोनों का मतलब समझोगे तो समझ आएगा प्रेरण क्या है, ठीक। तो ये एक प्रेरण होता है, ठीक, प्रेरण मतलब इंड्यूसिबल, ठीक। तो ये स्विच ऑफ है, आमतौर पर स्विच ऑफ होगा। अब कैसे ये स्विच ऑन होगा उसको देखो, जब हम इसमें क्या डालेंगे, इंड्यूसर डालते हैं इस लैकोपेरॉन में। देखो ये हमने कर दिया क्या, लैकोपेरॉन, जैसे ही हम यहां पर इंड्यूसर डालते हैं, वैसे ही लैकोपेरॉन जो होता है क्या हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। ध्यान देना, लैकोपेरॉन आमतौर पर कैसा होता है? ये स्विच ऑफ होता है, ठीक है, आमतौर पर कैसा है, ये स्विच ऑफ होता है। लेकिन जैसे अपन इंड्यूसर डाल देते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, ये स्विच ऑन हो जाता है। इतना चीजें क्लियर। अब ध्यान दो यहां पर, क्या ध्यान देना है, ये जो लैकोपेरॉन है, लैक जब ओपेरॉन होता है, जब हमने क्या कर दिया, लैकोपेरॉन क्या है, लैकोपेरॉन इंड्यूसर, ठीक है। अब इंड्यूसर की प्रेजेंस ही मतलब क्या हुआ, यहां पर हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे भाई, हम यहां पर जब लैक्टोज को ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे, जब हम यहां पर ऐड करेंगे लैक्टोज को ऐड करते हैं, तब ये क्या हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। फिर से रिपीट कर दे रही हूं, लैकोपेरॉन आमतौर पर स्विच ऑफ होता है, जैसे यहां पर इंड्यूसर करोगे यानी कि ऐड लैक्टोज डालोगे, तो क्या हो जाएगा, ये स्विच ऑन हो जाता है, ठीक है। लैक्टोज को हम डाल दिए माध्यम में, तो क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। अब बताती हूं मैं यहां पर कि लैकोपेरॉन, मेन लैक का मतलब ही होता है लैक्टोज,
ठीक है। लैक का क्या मतलब होता है बेटा? लैक्टोज, यहां पर मैं लिख दूं क्या? चलो भाई, लैक हो गया, यहां पर क्या हो गया? ओपेरॉन हो गया, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पर बना देते हैं, यहां पर इस उसमें बना देते हैं, कहां गया हमारा पेज? ये ठीक, देखो ये जो, देखो ये है लैक और ये क्या है आपका? ओपेरॉन, ठीक। लैक का अर्थ होता है क्या? अर्थ होता है भाई, लैक का अर्थ होता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज। जबकि ओपेरॉन का अर्थ क्या होता है बेटा? ओपेरॉन का अर्थ होता है जीन्स का समूह। इतने चीजें क्लियर? ओपेरॉन का अर्थ क्या है? जीन्स का समूह होता है। जीन्स का क्या है? समूह होता है। तो जीन्स का समूह यानी कि ओपेरॉन का जीन्स का समूह कौन कौन सा? इसमें मुख्यतः दो प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। पहला जो होता है जिसको हम कहते हैं नियंत्रक जीन्स कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं संरचनात्मक जीन्स कहा जाता है, ठीक है। देखो लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ओपेरॉन का मतलब होता है जीन्स का समूह। ओपेरॉन दो जीन्स से मिलकर बने हैं, मतलब जीन्स का समूह। कौन कौन से जीन्स? पहला नियंत्रक जीन्स और दूसरे क्या है? संरचनात्मक जीन्स। तो नियंत्रक जीन्स में क्या क्या चीजें आती है थोड़ा ध्यान दीजिए। इस नियंत्रक जीन्स में तीन प्रकार के जीन्स यहाँ पर आते हैं। पहला जो जीन्स होता है जिसको हम कहते हैं क्या? रेगुलेटर जीन। क्या कहते हैं इसको? रेगुलेटर जीन्स कहा जाता है, रेगुलेटर जीन्स। दूसरे को कहा जाता है क्या? प्रोमोटर जीन्स कहा जाता है। तीसरे को कहा जाता है क्या? ऑपरेटर जीन्स कहा जाता है। तो तीन प्रकार के यहाँ पर जीन्स पाए जाते हैं, पहला रेगुलेटर जीन, दूसरा प्रोमोटर जीन, तीसरा क्या है? ऑपरेटर जीन होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंट्रोलर जीन। ये तीनों क्या है? कंट्रोलर, नियंत्रक जीन्स है। फिर क्या लिखा है भाई यहाँ पर ध्यान दो? संरचनात्मक जीन्स। तो संरचनात्मक जीन्स भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के ये भी, ठीक। पहला क्या है? जेड। दूसरा क्या है? वाई। और तीसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं ए कहते हैं, जेड वाई ए। इन तीनों को नाम क्या दिए एक साथ? संरचनात्मक जीन्स। संरचना का निर्माण करता है। यही तीनों क्या करेंगे? एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। इतनी चीजें क्लियर? और ये तीनों क्या करेंगे, कितना एंजाइम्स कब बनना है, कैसे बनना है, ये कौन तय करेगा? नियंत्रक जीन्स। कितना बनेगा, रुक जाएगा, ये कौन तय करेगा? नियंत्रक जीन्स करता है। तो आई होप ये आप लोग को समझ आ गया। तो ये क्या बताया था मैंने, एक चीज, फ्लो चार्ट आपको बनाना है। तो ये आपको फ्लो चार्ट बनाना है, लैक ओपेरॉन ऊपर में लिखना, लैक ओपेरॉन के बाद टू पार्ट्स में डिवाइडेड कर देना, नियंत्रक जीन्स और संरचनात्मक जीन्स, और इसके प्रकार और ये इसके प्रकार है। इतना चीज को आपको बनाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम एक डायग्राम के साथ में कि कैसे कैसे ये बनने वाला है। तो अब देखो कि भाई तीनों का क्या क्या है। अभी हमने बात किया था ना ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन की, तीनों जीन के बारे में बात किए। तो तीनों का कार्य क्या है भाई? हमने तो बोल दिया कि यहाँ पर संरचनात्मक जीन से, यहाँ नियंत्रक जीन से, तो तीनों क्या कार्य करते हैं थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। तो यहाँ पर ये जो मैंने बना दिया यहाँ पर, हालांकि मैं पीछे भी एक डायग्राम से बताऊंगी, एक दो तीन यहाँ पर हम लिख देते हैं पी। देखो पी हो गया, आई हो गया, रेगुलेटर जीन हो गया, यहाँ पर प्रोमोटर जीन हो गया, और यहाँ पर ऑपरेटर जीन, और लास्ट आपका जो हो गया वो क्या है? जेड वाई और ए, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये लैक ओपेरॉन, ये क्या है? डीएनए का खंड है, ठीक। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए का खंड है, और इसमें ये इस टाइप के जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ भी मैंने बात की थी किसकी, ये क्या है तीनों, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा जीन्स? इसको हम लोग कहते हैं नियंत्रक जीन्स कहते हैं, अभी बात हुई थी। और इसको हम क्या कहते हैं तीनों को? इसको हम कहते हैं बेटा संरचनात्मक जीन्स कहा जाता है। ये हो गया नियंत्रक जीन्स और ये क्या हो गया? संरचनात्मक जीन्स। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या किसकी, ये प्रोमोटर है, ठीक है। आई का काम क्या है? रेगुलेटर जीन का।
रेगुलेटर जिनका काम है रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करना, ये कैसे बनाएगा, किसका निर्माण करना, रिप्रेसर दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करना, ये है इसका कार्य। आई क्या कर रहा है, आई आई लिखी, इसका मतलब समझ जाओ, रेगुलेटर जीन को हम आई से दर्शाते हैं, किसको, रेगुलेटर जीन जो है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। प्रोमोटर जीन को पी से डिनोट करते हैं, ऑपरेटर जीन को ओ से डिनोट करते हैं, इतनी चीजें क्लियर। अब ध्यान दो, ये जो आई है इसका काम क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करना, ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, कौन करता है, रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा, रेगुलेटर जीन करता है, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान देना, देखो जैसे हमने एक डायग्राम बना दिया है, मान लो जाए ये क्या है आपका आई हो गया, ये हो गया पी हो गया, ये ओ हो गया, और यहां पर हम बना देते हैं क्या, जेड वाई ए, ठीक है। तो आई का काम क्या होता है बेटा, आई क्या करता है, रेगुलेटर जीन होता है, ध्यान से सुनो पहले क्या है, फिर संरचना समझना। आई का काम होता है क्या, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन का ये निर्माण करेगा। प्रोमोटर का काम क्या होता है, ये पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स यहीं पर आकर के जुड़ता है, ध्यान देना जो जो बोल रही हूं, ये क्या, इसमें क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर यहीं पर जुड़ता है, ठीक है। ये क्या है, आई है, इसका काम क्या है, इसका काम है रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करना, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करना। ऑपरेटर जीन क्या करेगा, ऑपरेटर जीन जो होता है संरचनात्मक जीन्स को एंजाइम्स बनाने के लिए प्रेरित करता है, यही डिसाइड करेगा कि ये संरचनात्मक जीन्स एंजाइम बनाना चाहिए इसको कि नहीं बनाना चाहिए, तो ये डिसाइड करेगा कौन, ऑपरेटर जीन्स। तीनों के कार्य समझ आया। अब देखो ये तीनों का काम क्या है, एंजाइम्स का बनाना, मतलब एंजाइम्स को कौन बनाएगा, ये तीनों जीन्स बनाते हैं, कौन, संरचनात्मक जीन्स, नियंत्रक जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, सब ये डिसाइड करने वाला है कि कैसे बनेगा एंजाइम्स, ठीक है। चलिए अब देखो आई कैसे बनाता है, क्या होता है, वहां पर देखो आई का काम क्या है, जैसे मैंने बनाया ना रिप्रेसर प्रोटीन, तो यहां से सबसे पहले ये तो डीएनए का खंड है, तो डीएनए से क्या बनता है बेटा, एमआरएनए, तो कौन सा प्रोटीन बनेगा यहां पर, यहां पर बनेगा रिप्रेसर एमआरएनए बनता है, क्या है, रिप्रेसर एमआरएनए ये बन गया। रिप्रेसर जैसे ही एमआरएनए बनता है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनेगा रिप्रेसर एमआरएनए, यहां पर बताओ, ट्रांसक्रिप्शन, कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनता है, इतनी चीजें क्लियर है, अनुलेखन के द्वारा बनेगा, कौन, एमआरएनए, एमआरएनए से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है, और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनता है आपका, रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। और यही जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, यही जो रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वही है जो कहां जुड़ता है, ऑपरेटर के साथ बाइंड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी स्विच ऑफ और स्विच ऑन की स्थिति जो मैं क्रियाविधि में अभी बताऊंगी, तो अभी इतना चीज याद रखोगे कि रिप्रेसर प्रोटीन ये हो गया, कौन बनाया, रेगुलेटर जीन बनाया, प्रोमोटर जीन क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण करेगा, और ऑपरेटर जीन संरचनात्मक जीन्स को डिसाइड करेगा कि एंजाइम्स उसको बनाना है या नहीं बनाना। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो ये है आपका क्या, तीनों के बारे में लिखने का कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो लिखोगे, ठीक। तो चलिए चलिए, तब अब इसकी हम क्या देखेंगे, क्रियाविधि देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले स्विच ऑफ और स्विच ऑन की स्थिति, दो स्थिति आपको याद रखना है, ठीक है। एक स्थिति क्या है, एक स्थिति हम बनाएंगे क्या, स्विच ऑफ की स्थिति, कौन सी स्थिति, स्विच आपके ऑफ की स्थिति हम बनाने वाले हैं कि स्विच ऑफ में क्या होगा और स्विच ऑन में क्या होगा, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, ये हम बना दिए स्विच ऑफ, और एक बना देते हैं क्या, स्विच ऑन, ठीक है। दो स्थिति, स्विच ऑफ और स्विच ऑन की स्थिति, मतलब एक में क्या रहेगा, एक में रहेगा क्या, माध्यम में लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज, लैक्टोज जो है
एब्सेंट है, उपस्थित नहीं है। एक जो है लैक्टोज क्या है यहाँ पर, उपस्थित है। ये क्या है माध्यम में, लैक्टोज उपस्थित है, प्रेजेंट है, ठीक है, उपस्थित। और ये क्या है, एब्सेंट है। अब देखो क्या होता है स्विच ऑफ और स्विच ऑन की स्थिति में, ये क्रियाविधि है, ठीक। सबसे पहले हम दोनों साइड बना देते हैं डीएनए का खंड। भाई हमने बना दिया यहाँ पर डीएनए का एक खंड बना दिया, यहाँ पर भी हम डीएनए का खंड बना देते हैं, क्या होता है देख लेते हैं भाई। चलो एक हो गया आपका क्या है, सबसे पहले प्रोमोटर हो गया, ये हो गया आई हो गया, रेगुलेटर हो गया, ये हो गया प्रोमोटर हो गया, और ये हो गया आपका ऑपरेटर हो गया, और इधर हम बना देते हैं क्या आपका जेड, आपका वाई और ये आपका ए, संरचनात्मक जींस और नियंत्रक जींस। सेम इसी तरह हम इधर भी बना देते हैं क्या, यहाँ हम बना देंगे जेड वाई और ए, यानी कि अब इधर क्या बनेगा भाई, इधर क्या बन जाएगा आपका, सबसे पहले आपका प्रोमोटर रेगुलेटर, प्रोमोटर और ऑपरेटर, ठीक है। दोनों हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ की स्थिति हम दिखाने वाले हैं, जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित नहीं है यानी कि अनुपस्थित है, और जब ये उपस्थित है तब क्या होता है आप खुद ही देखते जाइए। सबसे पहले आप मुझे बताइए रेगुलेटर जिनका काम क्या था, रेगुलेटर जिनका काम क्या था, सबसे पहले ये क्या बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा यानी कि अनुलेखन के द्वारा, अनुलेखन के द्वारा सबसे पहले रेगुलेटर जिन क्या बनाएगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। चलो भाई हम बना दिए क्या, रिप्रेसर एमआरएनए बना दिए। रिप्रेसर एमआरएनए से अनुलेखन अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन के द्वारा क्या होता है, अनुवादन के द्वारा क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। अब जब रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर बना हुआ है, क्या है रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर है उपस्थित, और ये यहाँ पर देखिए यही है रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक। अब रिप्रेसर प्रोटीन भाई लैक्टोज है ही नहीं, तो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ तो जुड़ेगा नहीं। अब ध्यान देना मैं बार बार जुड़ने वाली बात क्यों कर रही हूँ, देखो इसकी जो, देखो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, लैक्टोज जब ऐड होता है तो इसके साथ क्या होता है, वो जुड़ जाता है, क्योंकि इसके तरफ का इसका आकर्षण जो है सबसे अधिक है, लेकिन अभी लैक्टोज तो है ही नहीं तो इसके साथ तो जुड़ेगा नहीं, सीधी सी बात। तो बेचारा फ्री है, क्या है ये अभी रिप्रेसर प्रोटीन फ्री है, और जब फ्री है तो ये कहाँ पर से आकर के जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाता है कहाँ पर, ऑपरेटर जीन के पास। चलो हम ऑपरेटर जीन के साथ जोड़ दिए, कहाँ जुड़ा रिप्रेसर प्रोटीन, ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ा। ऑपरेटर जीन के साथ हम क्या कर दिए, अब ये उसका बाइंडिंग साइट है, और उसी बाइंडिंग साइट पर आकर के वो जुड़ जाता है। देखो ध्यान देना, ये डीएनए ये बनाया प्रोटीन, और इसी प्रोटीन को वो अपने ही डीएनए के ऑपरेटर जीन के साथ वो जोड़ देता है, ठीक है। चलो वही हुआ है। अब देखिए जब इसके साथ ये जुड़ जाएगा ऑपरेटर जीन, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर प्रमोटर जीन के पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ेगा नहीं, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन के पास जुड़ जाएगा, और ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है प्रोमोटर जीन के साथ नहीं जुड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है, जब जुड़ेगा नहीं, एंजाइम का काम ही होता है बनाने का, ठीक है, बनाने का काम होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए को बनाता है, लेकिन यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ ही नहीं रहा तो बनाएगा क्या, है ना, जुड़ ही नहीं रहा है तो बनाएगा क्या। तब ये तीनों जो होते हैं संरचनात्मक जीन्स कोई एंजाइम्स को नहीं बनाते हैं, कोई एंजाइम्स नहीं बनता है, ध्यान हो गया, समझ आ गया। ये होता है किसका काम, आपके जब लैक्टोज अनुपस्थित है तभी की बात हो रही है, कोई एंजाइम्स नहीं बनेगा। अब दूसरा स्थिति जो आते हैं, स्विच ऑन की स्थिति आते हैं, देखो कैसे कंट्रोल होता है, कितना चीजें बनना है, कोई चीज कितना कार्य करना है, ये कैसे कंट्रोल हो रहा है। अभी बोल दिया क्या कोई एंजाइम नहीं बनेगा, तो भाई नहीं बनेगा ना, वहां पर अब कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं लैक्टोज, तो क्या ब्रेकडाउन करोगे, क्या वृद्धि करोगे, तो यहाँ पर लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम है ही नहीं तो एंजाइम्स का काम क्या था, इस लैक्टोज को मतलब वृद्धि और विकास का काम था, ठीक है। चलो अब देखो क्या होता है, अब आते हैं वापस से, जब लैक्टोज उपस्थित है माध्यम में, हम यहाँ पर लैक्टोज को ऐड कर देते, ये है आपका लैक्टोज है, ठीक है, मैं ऐसे इसका संरचना बना देती हूँ, चलो ये है लैक्टोज, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
इस रेगुलेटरी जीन से वापस से क्या बनेगा भाई, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, वही एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए से रिप्रेसर, एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, रिप्रेसर आपका प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया रिप्रेसर प्रोटीन। अब रिप्रेसर जो प्रोटीन है, अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या है भाई, ये देखो हमने बना दिया रिप्रेसर प्रोटीन। यहाँ पर लैक्टोज है यहाँ पर, और लैक्टोज के साथ सबसे ज्यादा क्या होता है, जुड़ता है ना, तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, ये हमने कर दिया लैक्टोज को अंदर, और लैक्टोज अंदर जा करके किससे जुड़ेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जुड़ जाएगा तो सीधी सीधी बात है, ये तो ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही जुड़ चुका है, खाली हो गया ऑपरेटर जीन। तब क्या होता है, ये फ्री हो गया ऑपरेटर जीन, जब ये फ्री हो जाता है तो यहाँ पर प्रोमोटर जीन के पास आ करके कौन, आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के पी प्रोमोटर के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ऑपरेटर बोलेगा भाई संरचनात्मक जीन्स आप फ्री हो, अब आप एंजाइम को बनाना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि ये बाधित कर रहा था ऑपरेटर के पास जुड़ गया और वो रोक रहा था उस जगह को कि मत बनाओ, अब खुल गया तो अब बोल रहे हैं बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर तीन प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं, सबसे पहले क्या है जेड, तो जेड कौन सा एंजाइम बनाएगा भाई, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम्स को बनाता है। वाई क्या करता है भाई, बीटा ग्लैक्टोसाइड परमीएस एंजाइम्स को बनाता है। नेक्स्ट क्या है भाई, ए क्या करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसी टाई लेज एंजाइम्स का निर्माण कर देता है। समझ आ रहा है, ये एंजाइम्स क्या करेंगे, लैक्टोज के ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। ये तीनों एंजाइम्स क्या करते हैं, इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करते हैं, और लैक्टोज जब टूटता है, लैक्टोज जब टूटता है तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज देता है, क्या ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का निर्माण करता है। ठीक है, और इसी से अपने ये वृद्धि और विकास को करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। समझ आ रहा है कि नहीं, इसी तरह देखो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होता है, ध्यान रखेंगे, लेकिन आपके बुक में प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अच्छे से दिया है, तो आप वो पेपर में भी ज्यादा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसी को बनाओगे। देखो कैसी स्थिति हो गई, स्विच ऑफ और स्विच ऑन। एक चीज और, लैक्टोज अंदर आएगा, कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा भाई, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया सेल है। ठीक है, ये क्या एक बैक्टीरिया सेल है, तो बैक्टीरिया सेल के अंदर बाहर में क्या है, लैक्टोज है, तो लैक्टोज अंदर जाएगा, ये कैसे ही अंदर अपने आप, मतलब लैक्टोज की अपने अंदर कैसे ले लिया। ठीक है, तो क्यों ये टूटा, तो इसको अंदर लाने के लिए पहले से इसमें परमीएस एंजाइम जो है उपस्थित होता है। ठीक है, परमीएस एंजाइम पहले से ही यहाँ मौजूद होता है, इसी के कारण ही लैक्टोज जो है कोशिका के अंदर प्रवेश कर पाता है, और ये अब यही टूटेगा और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ब्रेक डाउन कर देगा, और इसी को उपयोग करके एंजाइम्स का काम क्या है, ब्रेक डाउन करना, जो कि इनके शरीर में ये बनाते जा रहा है ना लेकोपेरॉन की स्थिति में, और ये क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा, और क्या होगा, ब्रेक डाउन करने के बाद अपनी वृद्धि और विकास करता है। तो यही है आपके लैक ओपेरॉन का संपूर्ण जो चित्र है, ये आपको बनाना है पेपर में, और बनाने के बाद आपको ये फ्लो चार्ट जो मैंने पहले बताया, फ्लो चार्ट आपको बनाना है। देखो ये पूरा लिखा हुआ है, तीनों संरचना दिया हुआ है, कौन कौन से एंजाइम्स वो बनाता है ये भी लिखा हुआ है, तो सारा चीज़ जो मैंने समझाया, तीनों का कार्य कौन कौन से, देखो ऑपेरॉन की संरचना में रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन हो गया, ये संरचनात्मक जीन्स तीनों को क्या बोलते हैं, नियंत्रक जीन्स कहते हैं, ये सारा कुछ मैंने, ये पूरा चीज मैंने है बता दिया है ऑपेरॉन की संरचना।
तो आई होप बच्चों की टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। 5 अंक का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब हम सीधे थर्ड यूनिट की बात करेंगे, लेकिन उसको बताने से पहले आप याद रखोगे इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है जो पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लो भाई, कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा और उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, जीवोत्पत्ति के संदर्भ में जैव विकास यानी कि 7वें अध्याय में मिलेगा मिलर और हेराल्ड का प्रयोग, उसको आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, हार्से एवं चेस का प्रयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ना है आपको। डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, ये भी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है, टॉपिक हमें मैं समझा दूं ऐसा आप चाह रहे हो, तो आप मुझे पहले कमेंट करोगे, तब जाके इसको मैं एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करते जाऊंगी, ठीक है। चलिए, अपूर्ण प्रभाविता से क्वेश्चन पूछा जाता है और डीएनए की अर्धसंरक्षी विधि, हमने डीएनए के बारे में देखा और डीएनए से एक डीएनए से दो डीएनए के किस तरह निर्माण होता है, ये अर्धसंरक्षी विधि में पूरा बताया गया है, ठीक है। तो इसको आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, डेफिनेटली 5 अंक के प्रश्नों को उठेंगे और इतने क्वेश्चन को आप बना लिए तो इससे ज़्यादा कहीं से भी आपके 3 चैप्टर से तो कहीं नहीं पूछेंगे, 2 यूनिट में 5 अंक का यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछेगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। आगे हम 3रे यूनिट की हम बात करने वाले हैं।